आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश का मध्य भाग बड़वा विधानसभा क्षेत्र, जिसमें खूबसूरत जयंती माता की वादियों के साथ संपूर्ण विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य संपूर्ण मालवांचल एवं निमाड़ को हरा भरा करने वाली मां नर्मदा ऐतिहासिक धरोहर श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट, जिन्होंने महाराणा साम्राज्य के प्रधान रहते हुए मुगलों से कई युद्धों में विजय प्राप्त की, इनका समाधि स्थल पीड़िया के समीप रावेरखेड़ी में स्थित है। सिद्ध संतों से भरा यह क्षेत्र सियाराम बाबा सहित। अब हम आते हैं सनावत की ओर, जो कि सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाते हुए मां शीतला पिरानपीर क्षेत्र है, जो सामाजिक एकता का प्रतीक है। यहाँ जन सेवा कार्यों में मानवीय चेतनाएं जागृत है। अब हम चलते हैं एशिया की प्रधान मिर्ची मंडी के नाम से प्रसिद्ध बेड़िया क्षेत्र, जहाँ हमारे प्रतिनिधि प्रतिदिन सेवा कार्य करते हुए नजर आते हैं। जब से कोरोना महामारी आई है, तब से हमारे क्षेत्र के वॉरियर्स ने अग्रणी भूमिका निभाई है, जिनमें शामिल है अनुविभाग अधिकारी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेस, प्रशासन आदि। ये है हमारे बड़वा विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि माननीय सचिन जी बिरला, जिनकी जन सेवाएं आम लोगों तक सहज रूप से मान्य है। इनकी लोकप्रियता ही इनकी सेवाओं को दर्शाती है, कर्म की प्रधानता ही इनका विश्वास है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। मेरा नाम शुभम शर्मा है, और जब से कोरोना महामारी हम लोगों के बीच में आपदा बनकर आई, तब से मैं देख रहा हूँ कि माननीय विधायक जी प्रतिदिन जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहते और उन्हें रोजमर्रा की जरूरत की सामग्री उपलब्ध करवाते रहते, जिसमें तेल, आटा, दाल, मसाले एवं जो भी उनकी रसोई का सामान है उन्हें उपलब्ध करवाते रहते। देख रहा हूँ कि इस विकट परिस्थिति में भी माननीय विधायक जी अपने क्षेत्र में पहुंचकर संबंधित विभागों से स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जिसमें SDOP, SDM, क्षेत्र के TI, नगर पालिका प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग अमले से रूबरू होकर वर्तमान जमीनी हकीकत का जायजा लेने का प्रयास कर रहे हैं एवं सभी से मिलकर क्षेत्र को कोरोना नामक महामारी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय विधायक जी सुबह 6 बजे से ही सेवा कार्यों में जुट जाते हैं, अपने हनुमान मंदिर पहुंचकर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली हेतु प्रार्थना करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथ से चॉकलेट और बिस्कुट खिलाते हैं, साथ ही सभी लोगों को इस महामारी में जागरूक रहने का संदेश देते हैं, नियमों का पालन करने का संदेश देते हैं, साथ ही सभी को सैनिटाइज करने का भी आग्रह करते हैं और सभी की समस्या सुनते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करते हैं। इस बीच किसान भाइयों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनकी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए माननीय विधायक जी ने खेतों में जल प्रदाय की समस्या को देखते हुए नहरों में पानी छुड़वाया, साथ ही विद्युत व्यवस्था को देखते हुए खेतों में उपयुक्त रूप से ट्रांसफार्मरों का लगाने का कार्य करा, साथ ही व्यावसायिक भाई जितने भी अपने क्षेत्र में परेशान थे काफ़ी समय से,
और इस लॉकडाउन के दौर में जिनकी आमदनी शून्य हो चुकी थी, उन सभी व्यवसायिक भाइयों ने भी विधायक जी को ज्ञापन प्रस्तुत करे और उन ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए विधायक जी ने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए ताकि सभी भाइयों को राहत प्रदान हो सके। साथ ही रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान विधायक जी ने ज़रूरतमंदों को प्रदान करा, जिसमें कम से कम विधायक जी को 10 से 15 लाख रुपए का निजी खर्च वहन करना पड़ा। क्षेत्र में कोरोना महामारी ने दस्तक दी है और जैसे ही लॉकडाउन लगा, गरीब परिवारों के सामने सबसे बड़ा जो परेशानी आई वो खाने पीने की सामग्री की थी और कई व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। हम लोगों ने सबसे पहले पूरे क्षेत्र का दौरा किया, थानों पर गए, अस्पतालों में गए, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, राजस्व विभाग के अमले से मिले, SDM, तहसीलदार, सभी लोगों से बात करते हुए जो भी समस्याएं जन समस्याएं थी उनका निराकरण किया। उसके बाद में जैसे ही गरीब लोगों ने मेरे आना चालू किया था, उसी समय से हम लोग उनकी सेवा में लगे हुए और हमेशा इसी तरह हम लोग उनकी सेवा करते रहे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा पटेल है। मैं नायब तहसीलदार के पद पर तहसील सनावत जिला खरगोन में पदस्थ हूँ। वर्तमान में हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, क्योंकि कोरोना महामारी से भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। भारत सरकार ने इसके रोकथाम के लिए 24 मार्च से टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया था। टोटल लॉकडाउन हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कदम रहा, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ हम लोग सभी को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी प्रदान करते हैं, उसमें अपने अपने घरों में कैद करना एक कठिन कार्य रहा। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों की मदद से हमने कभी सख्ती से पालन कराया तो कभी समझा कर और उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके घरों में रहने का संदेश दिया। इस बीच नगरवासियों को सामान्य सुचारू सुविधाएँ, जो मूलभूत सुविधाएँ होती है, उनकी सुचारू उपलब्धता मौजूद रहे, इसके लिए हमने अनेकों कदम उठाए, जिसमें SDM सब द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशानुसार कर्फ्यू पास जारी किए। नगर पालिका के कर्मचारियों, विद्युत विभाग के कर्मचारी, दूध सप्लायर, किराना व्यापारियों को सभी को हमने पास जारी किए। इस बीच अगर किसी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी या डेथ इमरजेंसी के लिए अपने शहर से या कहीं बाहर जाना होता है तो इसके लिए हमने पास जारी किए और समय समय पर जो शासन द्वारा निर्देश मिले गए और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमने सभी को जागरूक करने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं राहुल डावर, नायब तहसीलदार सनावत। COVID-19 महामारी के संबंध में कलेक्टर महोदय और SDM साहब के जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार हम लोगों ने समस्त लॉकडाउन के नियमों का पालन कराते हुए सनावत क्षेत्र की जनता को सुरक्षित रखने का सतत प्रयास किया और आज दिनांक तक सतत प्रयासरत है। जैसे ही हमें भारत सरकार के नियम और राज्य सरकार के नियम सख्त करने की आवश्यकता पड़ी, वैसे हमने कुछ चेकपोस्टों का निर्माण किया बड़वा अनुभाग क्षेत्र में, जिनमें ओखला, काटकुट, जमलपुरा, जयस्तम और सनावत के कुछ क्षेत्रों में चेकपोस्ट का निर्माण किया गया, जहां पर हमने पटवारी, चौकीदार और नगर परिषद के स्टाफ के साथ रहकर और वह पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया जाकर हमने नियमों को सख्ती से पालन किया ताकि अन्य राज्यों के लोग बाहर ना आ पाए। हमने हमारे स्टाफ के लिए सुबह शाम के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई, जिससे वो भी स्वस्थ रहे और हमने हमारा खुद ध्यान रखा, जिनमें हमारे परिवार का और हमारा ध्यान रखते हुए हमने खुद के हमारे मोबाइल को सैनिटाइज करते रहे, हम खुद अपने मास्क का उपयोग करते हुए ये समय व्यतीत किया। दुर्भाग्य से जब भी राजस्व सीमा क्षेत्र सनावत में कोई कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट आया है तो राजस्व स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन, कलेक्टर साहब और SDM साहब के निर्देशानुसार हमारी पूरी टीम, जिसमें नायब तहसीलदार साहिबान, पटवारी साहिबान और हमारे चौकीदार तत्काल प्रभाव से उस गाँव में क्षेत्र में उपस्थित हुए। उस क्षेत्र को नगर पालिका या पंचायत विभाग के माध्यम से सैनिटाइज कराया जाता था, उसके पश्चात उस परिवार की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जाती थी और सभी व्यक्तियों को घर में क्वारंटाइन किया जाता था। स्वास्थ्य विभाग इस बीच स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का कार्य किया स्वास्थ्य विभाग ने।
से संबंधित क्षेत्र को हमने जितना भी नियमानुसार होता था कंटेनमेंट एरिया घोषित करके सील किया, बैरिकेटिंग की और उस क्षेत्र में संपूर्ण आवागमन प्रतिबंधित किया। कोई भी व्यक्ति बाहर से न उस क्षेत्र में जा सकता था न बाहर आ सकता था। इस बीच उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी और खाने पीने से रिलेटेड सुविधाएँ सुचारू रूप से मिलती रहे, इसकी यह हमने सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। पुलिस विभाग के साथ जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण पर जाते थे तो NTPC और प्रशासन के द्वारा जो राशन की व्यवस्था कराई थी, हम उनको जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराते थे। इस बीच जो पलायन कर रहे मजदूर होते थे, महाराष्ट्र से इंदौर सीमा से आ रहे जो रोड से मजदूर गुजरे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई। रात्रि समय उनको विश्राम के लिए रजाई गद्दों की व्यवस्था की गई थी और सुबह से प्रशासन सरकार द्वारा जो जिम्मा उठाया गया था कि हम उनको पैदल नहीं जाने देंगे और बसों के माध्यम से उन्हें भेजेंगे, तो रात्रि रुकने के पश्चात सुबह भोजन कराने के पश्चात हम उनको बसों के माध्यम से उनके घरों तक तो पहुंचाने का प्रयास सुनिश्चित किया। ये हैं क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, इनकी सेवाएं प्रखर रही है, इनके ही आदेश से क्षेत्र में कार्य होते रहे हैं। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है और इसकी शुरुआत अपने यहाँ लॉकडाउन की 25 मार्च से शुरू हुई थी। 25 मार्च से लॉकडाउन की स्थिति होने के बाद बड़वा, सनावत और संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 325 गाँव आते हैं। लगातार हम लोगों ने पूरी टीम बनाई जिसमें राजस्व की, स्वास्थ्य की और नगरीय प्रशासन की, ग्रामीण की और पुलिस की, समस्त मिला के ऐसी टीम बना हर गाँव में ऐसी व्यवस्था की कि अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो पहले हमें अवगत कराएं और जैसे ही हमें पता हो जाता हमारी पूरी टीम ब्लॉक से जाती थी और जाने के बाद उनके लिए जो बेहतर प्रबंधन हो सकते कोरोना को लेकर वो करती थी। इसी तारतम्य में बड़वा क्षेत्र में चूँकि इंदौर से लगा हुआ है, एक तरफ खंडवा से लगा हुआ है, एक तरफ खरगोन से लगा हुआ है और खंडवा और इंदौर दोनों रेड जोन में थे तो वहाँ से लोगों का आवागमन बहुत था। सबसे प्रमुख बात हम लोगों के लिए ये था, एक टास्क था कि इसको कैसे रोकना, क्योंकि इंदौर से लोग सीधे आते थे और आने के लिए काफ़ी रास्ते थे। तो इसके लिए हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजी किया कि जो जो आने के रास्ते मेन रास्ते जैसे अपना हाईवे पड़ता है, हाईवे पे बलवाड़ा पे हमने सबसे बड़ा एक पॉइंट लगाया, उसके बाद वहाँ से काटपुर तरफ लगाया, ओखला, बर्जर, ऐसे करके जितने गाँव आते थे और जितने खेत वगैरह थे जहाँ से आने की संभावना थी, उन सारे रास्तों को हमने रोका। उसके लिए हमने पॉइंट्स लगाए, उसमें फॉरेस्ट का विभाग को लगाया, रेवेन्यू वाले रहे, पुलिस वाले रहे और स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, ये लोग पूरे 24 आवर्स उस पॉइंट पे रहते थे चेक पोस्ट। उसका ये फ़ायदा हुआ कि जब तक अपना लॉकडाउन चला तो बड़वा सनावत में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया। जब लॉकडाउन खुला उसके बाद फिर धीरे धीरे केस आने लगे। इसका कारण ये था कि लगातार मजदूरों की आवाजाही रही, क्योंकि शासन के निर्देश से मजदूरों को लाना था तो मध्य प्रदेश के जो मजदूर बाहर फंसे थे जब वो लोग अपने क्षेत्र में वापस लौटे या यहाँ से फिर आवागमन के तौर पर यहाँ से दूसरे राज्यों में गए तो उस आवागमन में के बाद फिर यहाँ पर पॉजिटिव आना शुरू हुआ। लगभग 3500 लोगों को हमने होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा था ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके खाने पीने, दवाई इत्यादि की व्यवस्थाएँ की थी। और ऐसे शहरी क्षेत्र में भी 2 कोरोना केयर सेंटर बनाए, एक तो बड़वा में बनाया है नर्मदा वैली स्कूल जो महेश्वर रोड पर, एक हमने बनाया है सनावत में रेवा गुर्जर कॉलेज। तो आज की तारीख में अगर कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है तो हम लोग खरगोन इंदौर रेफर नहीं करते, उसकी सारी व्यवस्था हम लोग यहीं पर करते हैं सनावत और बड़वा में। वहाँ पूरा पुलिस का भी बल लगा हुआ है, उसी के साथ में स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम 24 आवर्स लगी हुई, खाने पीने के प्रबंध के साथ उन्हें योग प्राणायाम करके भी जल्दी से ठीक हो जाए इस हिसाब से व्यवस्था करते हैं। 232 का सैंपल आज तक लिया जा चुका है, उसमें 22 पॉजिटिव आए, 2 की डेथ हुई। जो 2 की डेथ हुई उसमें एक इंदौर से हुआ है, खरगोन से हुआ, मतलब लोकल लेवल पे अभी काफ़ी कंट्रोल रहा है और आगे भी ऐसा कंट्रोल रहेगा। और हम लोगों की स्ट्रेटेजी ये रही कि पुलिस के SDOP और मैं सारे दल बल को लेकर सुबह से 6 बजे से हम लोग भ्रमण पर निकलते थे
तो जितने पॉइंट बनाए थे सारे पॉइंट्स पर भ्रमण करते थे और सभी लोगों को बूस्ट अप करते थे कि लगातार अपने को रहना है और अपना 100% देना है। इसका लाभ ये रहा कि हम लोग घूमते रहे तो हमारा नीचे का स्टाफ भी, अधीनस्थ स्टाफ ने भी बहुत अच्छा काम किया, लोगों का भी सहयोग मिलते रहा, लोगों को लगातार जागरूक करते रहे कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग करना है। तो आज की स्थिति में कंट्रोल में है, लगातार सभी लोग लगे हुए हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। अगर कहीं कोई भाई या भाई को पाया जाता है उसके लिए संपूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने पहले से करवा दी है और बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो रहे हैं। अपने यहाँ पर मृत्यु की दर भी बहुत कम है, 232 सैंपल लिए, 2 की मृत्यु भी, वो भी बाहर हुई और उनको दूसरी बीमारी भी थी। जो 2 लोगों की डेथ हुई है उसमें एक तो शुगर थी 600 और दूसरे जो भाई थे उनको भी शुगर थी और ब्लड प्रेशर था, तो मेन कारण वो था, उससे वो कोरोना की चपेट में आए हैं। तो बाकी लोग सब ठीक थे। और बड़वा सनावत के रहवासियों को, ग्रामीण क्षेत्र वालों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि इतने लंबे समय तक उन्होंने जो हम लोगों ने निर्देश दिए शासन को उसका उन्होंने पालन भी किया और सहयोग भी किया। आगे भी मैं एक आग्रह करता हूँ कि जब तक ये संक्रमण चल रहा है इसके लिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कम से कम 1.5 मीटर दूर रहेंगे, किसी की दुकान पर जाते हैं मास्क अवश्य पहनेंगे और उसी के साथ में सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे और बार बार अगर कहीं बाहर निकले या किसी चीज़ को छुआ है तो हाथ धोएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आप हम सब मिलकर इस संक्रमण को रोक सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। ये है हमारे क्षेत्र के रियल वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आम जन की जान बचाई। मेरा नाम डॉक्टर अनुज कारखोर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बड़वा, सिविल हॉस्पिटल बड़वा। जब ये कोरोना का ब्रेक आउट हुआ था तो इसके बारे में ना ही किसी ने सुना था इससे पहले और ना ही किसी ने जाना था और ना ही इससे कैसे हमें प्रिपेयरली और प्रॉपरली इससे कैसे लड़ना है इसके बारे में किसी भी तरफ की कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर जब थोड़ा सा टाइम बीता तो कोशिश ये रही थी कि यहाँ पर जितने भी पब्लिक और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स जो डरे हुए हैं सबसे पहले उनको मोटिवेट किया जाए, उनको प्रिपेयर किया जाए। और उसके लिए फिर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट से हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस को हमने फॉलो करते हुए आगे भी सर्कुलेट किया। उसके लिए हमने कुछ प्लानिंग्स भी की थी। उस प्लानिंग्स में जैसे कम्युनिटी के जो अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्ष की हमने मीटिंग्स बुलाई थी ब्लॉक वाइज और उन सारे अध्यक्ष को अवेयर भी किया था और ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए भी बोला था कि ये आगे इस मैसेज को फैलाएं कि कैसे बचाव करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। मैं और मेरी टीम जब भी हमें कोविड पॉजिटिव मरीज़ या इससे रिलेटेड कोई भी खबर आती थी तो तुरंत एक्टिव हो जाती थी। जब भी हमें पता चलता था कि इस एरिए से कोई भी इस तरीके की न्यूज़ आ रही है तो हम हमारी टीम साथ में जाके उस एरिए में जब भी आधी रात वाली आधी रात को भी जाके हम लोगों ने वहाँ जाके उसका ट्रीटमेंट भी किया है, जरूरत पड़ी है तो रिफ़र भी किया है। और उसके साथ हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन इतना बेहतरीन रहता था कि उस टाइम पर हम अलर्ट मोड में रहते थे अगर कोई कितनी भी गहरी नींद में जाग रहा हो, क्योंकि केवल एक रिंग बजती थी और समझ जाते थे कि सबको रेडी होना है और चलना है। एक बार ये भी हुआ था कि रात को कानापुर में ब्रेकआउट हुआ था, पता चला था कि एक पॉजिटिव मरीज वहाँ आया हुआ है, तो मैं और मेरी पूरी टीम रात को 2 बजे कानापुर गई और वहाँ पर काफ़ी लेबर क्लास एक साथ रह रहे थे तो सबको आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद वहाँ जो 5 मरीज पॉजिटिव आए हुए थे उनको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद उन्हें पीपीई किट पहना के हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन में रेफर किया। रवि कुमार देसवाली, स्टेट आर्मी मणिपुर, ब्लॉक बड़वा। यहाँ पर जैसे कोरोना के संबंध में जितने भी केस की जानकारी है हमारी पूरी टीम जैसे कोरोना के संबंध में जानकारी मिलती है वहाँ सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसको जिला हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहाँ से जैसे ही मालूम पड़ता है कि इतने केस पॉजिटिव आए हैं तो वहाँ से पॉजिटिव केसों से संपर्क कर उन्हें वापस जिला स्तर पर पहुँचा दिया जाता है और साथ ही साथ इसके डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने पर अभी बड़वा ब्लॉक के जो हैं 257 हुए हैं और उसमें 25 पॉजिटिव केस पाए गए। और इसके साथ ही साथ ये है कि इनकी देखभाल और पूरी टीम हमारी इनकी देख रेख में रखी है, लगी रहती है और कंटिन्यू अभी ये काम चल रहा है। और इसी आधार पर और मेरा परिवार जो है इसमें सराहनीय योगदान मेरे बच्चों का रहा है। मैं अपनी दिल से और हम सब
परिवार के जो लोग हैं वो बच्चों की हौसला अफजाई के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कोरोना को हराना है और देश को जिताना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत। My name is Dr. Hansa Patelar. I am in charge of CL Hospital, Sanawat. I am gynecologist. Corona pandemic में चूँकि कई देशों में इस तरह के cases, corona positive cases आए और कई देशों में मृत्यु हो गई, कई देशों में कई positive cases, number of patient आए हैं, तो हमारे देश में भी travelling history जिन लोगों की थी उसकी वजह से corona फैला और गांव भी तरह तरह के मतलब गांव के लोग भी इससे प्रभावित हुए। और इस कोरोना पेंडेमिक में हम लोगों ने यहां पे सीएल हॉस्पिटल सनावद में हज़ारों लोगों की स्क्रीनिंग करी जो डिफरेंट स्टेट से आए हुए थे। स्क्रीनिंग के साथ साथ में हमारे यहां कोई सस्पेक्टेड केसेस भी आए और इन सस्पेक्टेड केसेस को हमने इनकी सैम्पलिंग करके इनको पॉजिटिव निकाले और पॉजिटिव जब इनके केसेस निकले तो इनकी हमने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके जो इसमें जो पॉजिटिव केसेस आए थे समथिंग 16 आए थे, उन लोगों को हमने क्वारंटाइन सेंटर में रखा और क्वारंटाइन सेंटर में रखने पे उनका ट्रीटमेंट किया गया। और क्वारंटाइन सेंटर में हमने इन लोगों को योगा प्राणायाम करवाया, जिंक, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन D3 की गोलियां दी और गर्म पानी, संतुलित आहार, सारा कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट किया जिससे कि पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़े, उनकी लंग कैपेसिटी बढ़े और ताकि वायरस जल्दी से उनकी बॉडी से क्लियर हो जाए। उसके बाद उन्हें 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करके उनको होम आइसोलेशन के लिए अंडरटेकिंग ली गई और होम आइसोलेशन में हमने उनसे घोषणा पत्र भरवाया और वीडियो कॉलिंग करके उनसे हालचाल पूछते हैं। और अभी सारे लोग 16 पेशेंट ठीक है, उनका 7 डेज का जो आइसोलेशन था वो भी लगभग खत्म हो गया है। मुझे यहाँ की जनता से, सारे देशवासियों से मेरी अपील है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें और ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, जैसे जिंक है, विटामिन सी है, कैल्शियम है और संतुलित आहार लें और एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें जिससे कि फेफड़ों की लंग कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि ये जो वायरस होता है लंग्स को अफेक्ट करता है और लंग्स को अफेक्ट करने पे सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अगर हमारी लंग कैपेसिटी अगर पहले से हमने एक्सरसाइज करके उसका कैपेसिटी बढ़ा के रखी होगी तो अगर इन्फेक्शन जब होगा तो हमें दिक्कत। मेरा नाम ऐसा है दीपक तलवार है और जब से महामारी आई है तब से हमारे TI साहब और हमारे समस्त स्टाफ काफ़ी मेहनत से काम कर रहा है। दृष्टि से हमारे TI साहब ने आने पर एक सैनिटाइजर मशीन भी लगवाई है ताकि प्रत्येक स्टाफ बाहर से आने वाले या शिकायत करता सभी सैनिटाइज हो सके, सैनिटाइज की प्रॉपर व्यवस्था की गई है और गाड़ी की व्यवस्था की गई है ताकि हर व्यक्ति को काढ़ा उपलब्ध हो सके। जो व्यक्ति थाने पर नहीं आ सकते हैं, जिनके पॉइंट बाहर लगे ये साहब ने वहाँ तक काढ़ा पहुँचाने की व्यवस्था कराई है और नियमित चेकअप भी हुआ हमारा, हर सप्ताह चेकअप होता रहा। साहब हर व्यक्ति से प्रतिदिन फ़ोन लगा के पूछते थे कि किसी की तबीयत तो नहीं ख़राब है, प्रतिदिन हालचाल पूछते थे ताकि सभी व्यक्ति अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकें। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पवार है, मैं सनावत थाना में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ। हमारे श्रीमान थाना प्रभारी द्वारा अहित दिशा का कार्यक्रम कराया गया था जो हमारी ड्यूटी को तनाव से दूर रखने के लिए हमारे स्टाफ में कभी जैसे जन्मदिन, एनिवर्सरी किसी भी सदस्य की होती थी तो उसे मिलकर मनाया जाता था। वहाँ पर हमारा रहवासी द्वारा भी पुष्पमाला से स्वागत किया गया था और उस रहवासी द्वारा भी हमें औषधि प्रदान की गई थी। नमस्कार, मैं हूँ अजय भाटिया। ये है हमारे थाने में ये विशेषता है कि हमारे यहाँ पशुओं को सबसे ज़्यादा अच्छे से रूप से देखा गया, मानवता के रूप में ऐसा देखा गया है कि उनकी सहायता की जाती है। पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था जो भी है हमारे TI साहब माननीय उनके द्वारा देख रेख की जाती है। ये है सनावत क्षेत्र के थाना प्रभारी। कोरोना काल में शासन के द्वारा निर्देशित लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने हेतु
हमेशा तत्पर रहे। जैसे ही इस वायरस की जानकारी भारत में फैलने की संभावनाएं बढ़ी, शासन के दिशा निर्देश जारी हुए और उसकी प्लानिंग के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों के भी निर्देश हमको समय समय पर मिलते गए और हमने उसके अनुरूप लॉकडाउन में अपना काम शुरू किया। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम गई, लेकिन फिर जनता भी जो थी, लोग भी जो थे, उसके यूज्ड टू होते गए। परेशानियाँ आईं, लेकिन उनसे ओवरकम करने के लिए भी हम लोग तैयार थे और हमारे स्टाफ ने, सब ने और लोगों ने, मैं विशेष रूप से कहूँगा कि बहुत सहयोग किया और हम 2 महीने तक इस स्थिति में रहे कि कोई भी केस हमारे यहाँ पर पॉजिटिव नहीं निकला। अभी भी लगातार प्रयास जारी हैं, अधिकारियों के निर्देश प्रतिदिन सुबह शाम हमको मिलते रहते हैं, शासन की प्रतिदिन की एडवाइजरी जारी होती है, उसके अनुरूप काम करते हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई है, इसको लड़ने में कई प्रकार की परेशानियाँ आएंगी, लेकिन जिस प्रकार का सहयोग जनता ने दिया, उस प्रकार का सहयोग यदि चलता रहा, मैं सनावत के युवा वर्ग का बेहद ऋणी हूँ कि उन्होंने इस कठिन समय पे पूरे कस्बे में, न केवल कस्बे में बल्कि आसपास के देहात में भी गरीबों की मदद में, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने में और उनको एक अच्छी देखरेख करने में प्रशासन और पुलिस की मदद की। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि शासन को इसी प्रकार का सहयोग जनता भी बनाए रखे तो हम निश्चित रूप से इस युद्ध को जीतेंगे और जल्द जीतेंगे। जय हिंद। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, बड़वा डिवीजन जिला गढ़वाल में एसडीओपी के पद पर पदस्थ हूँ। 25 मार्च से पूरे देश में कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन आरम्भ किया गया था, इसमें सभी जिलों में सीमाओं को सील किया गया है। खंडवा, गन्नौर से आने वाले लोगों को प्रतिबंधित किया गया था, पुलिस के द्वारा रोड पर और कई जगह बैरिकेडिंग कर रास्तों को बंद किया गया, सख्ती से लोगों का आना जाना आवागमन रोका गया था। इसी तारतम में सनावत, गढ़िया, बलवाड़ा, कलई में भी सभी कस्बे में पुलिस के फिक्स पॉइंट लगाकर लोगों को घरों से बाहर आने से काफ़ी सख्ती से रोका गया है। प्रतिदिन मेरे द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को अनाउंसमेंट कराने के निर्देश दिए जाते रहे हैं, उससे हम जाकर पूरे क्षेत्र में चेकिंग कर प्रतिबंधित करने बाबत देखा जाता था। इसके बाद प्रतिदिन शाम को मुख्यालय खरगोन में पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्टिंग करते थे। जो लोग बिना सूचना के बिना अवैध रूप से क्षेत्र में आने जाने करते थे, उनके खिलाफ 180 कार्रवाई भी काफ़ी संख्या में हम लोगों द्वारा की गई है। और कई लोग जो महाराष्ट्र से मजदूरों का आना जाना हो गया है, उनको भी काफ़ी रोकथाम की गई है। और जो ऐसे में जो लोग काफ़ी उनको भोजन नहीं मिल पा रहा था, नगर पालिका प्रशासन की मदद से उनको पैकेट भी पुलिस के द्वारा बंटवाए गए हैं। कई लोग रास्ते में जो पैदल चल के आ रहे थे, उनको भी रोककर खाना खिलवाने की व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। इस तरह से काफ़ी समय तक संक्रमण रोका गया है और वर्तमान में कुछ पॉजिटिव केस अवश्य मिले हैं, जिनको काफ़ी क्वारंटाइन करके सख्ती से लोगों को बाहर निकालने में पुलिस के द्वारा काफ़ी सख्ती दिखाई जा रही है। ये हैं खरगोन क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक। इन्होंने अनुशासनात्मक तरीके से आम जन मानस का सहयोग करते हुए नियमों का पालन करवाया। आज की डेट में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि ये निश्चित है कि दुकानें खुल गईं, हमारी जरूरतें थी, आवागमन बढ़ गया, लेकिन कोरोना संकट बरकरार है। कोरोना वायरस और विकराल रूप में और संख्या में हमारे सोसाइटी में फैल रहा है। जिस तरह से पब्लिक मोबिलिटी बढ़ी है, उसी तरह कोरोना की भी मोबिलिटी बढ़ी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि 2-3 चीज़ आप लोग जरूर करें। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप
एक फिजिकल एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखें, हर समय अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं तो मास्क लगाएं, बिना मास्क के कहीं ना जाएं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हैंड वॉश करना, आपके पास सैनिटाइजर है, आपके पास साबुन है, आप उसका उपयोग करिए और हर आधे घंटे 1 घंटे में आप हैंड वॉश ज़रूर करिए। और इसके साथ ही आप अपने हाथ को कभी अपने चेहरे पे ना ले जाइए। इस वायरस का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही है कि आपके नाक से मुंह से प्रवेश कर सकता, आपको कर सकता है। तो हम जितनी कोशिश करेंगे कि हम अपने हाथ अपने मुंह तक ना ले जाएं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों का संपर्क हाथ से ही लोगों से होता है, इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि आप जो है हाथ मत मिलाइए, आप लोगों से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए और मास्क धारण करिए। बार बार हम यही अपील करेंगे आपसे कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बचाव की जिम्मेवारी जितना डॉक्टर पुलिस प्रशासन की है उससे कहीं ज़्यादा आम आदमी की है। इसलिए आपसे हर कोई आज की डेट में अपील कर रहा है कि इन नियमों का आप पालन करिए और हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे जिले को कोरोना मुक्त बनाए। धन्यवाद। मेरा नाम हारून बेग, मैं नगर पालिका सनावत में दरोगा के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे हमारे क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी की दस्तक हुई, वैसे हमारी टीम ने सतर्कता रखते हुए नगर में प्रथम चरण में साफ सफाई व्यवस्था चाक चौबंद की, उसके उपरांत दवाइयों का छिड़काव, सैनिटाइजर का छिड़काव और दिन रात फॉगिंग मशीन का छिड़काव प्रारंभ कर दिया, ताकि इससे लोगों में होने वाले भय को दूर किया जा सके और आने वाली बीमारी को दूर रखी जाए। हमारी टीम दिन रात इस कार्य में सजग लगी रही और हम लोग दिन रात पूरी तरह से निरीक्षण करते रहे। जैसे ही लॉकडाउन प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया, नगर में गरीब बस्तियों में एवं रेलवे स्टेशन एवं प्रवासी मजदूरों के लिए नगर पालिका द्वारा भोजन की व्यवस्था की, लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों को दैनिक प्रातः से लेकर रात्रि के 2 बजे तक भोजन बांटा गया, ताकि नगर के अंदर किसी भी क्षेत्र में कोई गरीब भूखा ना सो सके। ये संपूर्ण व्यवस्था नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा एवं प्रशासन के आदेश पर नगर पालिका द्वारा की गई। नगर के किसी भी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण मरीज की सूचना प्राप्त होती है, वैसे ही नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करती है और आसपास के क्षेत्रों को कंटेनमेंट बनाकर पूरे एरिया को सील किया जाता है और उस एरिया में आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। नगर पालिका परिषद पवहा का मैं सी एम ओ हरियाम इंडिया, जो तकरीबन 21 दिन का लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन का आम जन को पूर्ण रूप से पालन कराने हेतु हमने शहर में मुनादी करवाई थी और कोरोना महामारी फैले नहीं, इसके लिए नगर पालिका का पूरा अमला पूरी मेहनत के साथ मैदान में तैनात था। जैसे कि हमारे सफाई अमले की बात करें तो आप सुबह शाम शहर के अंदर जो सार्वजनिक रोड है, गलियां हैं, उनको झाड़ू से साफ करना, जितनी शहर की जो नालियां हैं उनकी भी साफ़ सफाई करवाई गई है, जो नाले हैं उनको भी हमने साफ स्वच्छ रखा है। और जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते गए लॉकडाउन के, जैसे हमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय के हमको आदेश प्राप्त हुए, वैसे हमने उनके निर्देश का पालन किया गया। मैं बाबूलाल पवार, सीओ जनपद पंचायत बड़वा। जनपद पंचायत बड़वा में 114 ग्राम पंचायत है। जब से शासन द्वारा इस महामारी के लिए लॉकडाउन किया गया, तब से 114 ग्राम पंचायतों में ही निरंतर लॉकडाउन की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों ने लॉकडाउन का पूरा अनुपालन किया। जनपद पंचायत की ओर से 114 ग्राम पंचायतों में ही क्वारंटाइन सेंटरों की स्थापना की गई। आने वाले अप्रवासी मजदूरों को जो शासकीय भवन है उनमें आते ही उनको शासकीय भवन के अंदर क्वारंटाइन किया गया 14 दिन के लिए। वहाँ पर उनके भोजन पानी छाया पानी प्रकाश की व्यवस्था की गई। वो 14 दिन के पश्चात उनकी स्क्रीनिंग के पश्चात उन्हें
अपने घर को रवाना किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों द्वारा इस लॉकडाउन की स्थिति के अंदर 2 से 3 बार समस्त ग्रामों का सैनिटाइजेशन किया गया। ग्राम पंचायतों द्वारा असहाय बेसहारा मजदूरों को या लोगों को भोजन की व्यवस्था भी की गई। नमस्कार, मैं सौरभ साहू, मैं यहाँ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बड़वा संभाग में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदासीन हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोरोना महामारी की भयावह स्थिति में हमारे पूरे स्टाफ ने शिद्दत के साथ काम किया है। इसमें जो है कि एक ओर जहाँ हमें उपभोक्ताओं को सप्लाई की व्यवस्था पूरी मेंटेन करना था इस भीषण गर्मी में, दूसरी तरफ हमें जो है हमारे कर्मचारियों की सेहत का भी ध्यान रखना था, तो हमने उनको जो है सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की व्यवस्था करते हुए उपभोक्ताओं को इस दौरान में किसी प्रकार की विद्युत से संबंधित समस्याओं की कोई समस्या नहीं आने दी। साथ ही ये दौर जो था कि वर्षाकालीन पूर्व मेंटेनेंस का था, तो इस दौरान भी हमने जो है हमारे सारे 33 KV 11 KV ट्रांसफार्मर्स और LT लाइन का पूरा व्यवस्थित मेंटेनेंस करवाया उनसे पूरी सुनिश्चितता के साथ। इस दौरान आंधी और पानी जैसी विषम परिस्थितियों का भी हमें सामना करना पड़ा, जिसके कारण जो है कुछ पोल भी टूटे, परंतु हमने 2 से 3 घंटे में सभी जगह की व्यवस्थाओं को मेंटेन करा, जिसमें विशेषकर जहाँ भी अस्पताल वगैरह जहाँ पर और क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए थे वहाँ हमने सप्लाई की व्यवस्था को तुरंत मुहैया करवाया और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दिया उसमें। साथ ही इसके अलावा उपभोक्ताओं से हमें जो विद्युत के बिल जमा करवाना था, इसके लिए हमारी IT सेल ने विशेष रूप से कुछ एप्लीकेशन बनाई थी, जिसमें उपभोक्ता को लंबी लाइन हमारे काउंटर पर जमा करने के लिए ना लगाने के से राहत मिली और उन्होंने जो है कि उसका उपभोक्ताओं ने उसका भुगतान उनके एप्लीकेशन के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से किया। और हमारी टीम ने जो है विशेष रूप से सभी प्रकार के, चाहे वो कृषि उपभोक्ता हों या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल उपभोक्ता हों, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को विद्युत की व्यवस्था निरंतर प्रदान करी। कृषि उपभोक्ताओं का ये मुख्य सीजन था, क्योंकि जो है कि इस क्षेत्र में कपास विशेष तौर पर इस समय लगाई जाती है, तो हमने उनकी व्यवस्थाओं को भी जो है कि हमारे लाइन कर्मचारियों के माध्यम से इन आंधी और भीषण गर्मी की विषम परिस्थितियों में और कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में इनको जो है व्यवस्थित तरीके से मेंटेन करवाया और सुचारू रूप से विद्युत प्रदान किया। मैं विवेक विद्यार्थी, इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मेरे साथ में पत्रिका संवाददाता राजेश जी। हम फिलहाल में बस स्टैंड क्षेत्र में खड़े हैं, जो ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे नगर के अखबार दैनिक अखबार आते हैं, जिसके बाद यहाँ से सर्कुलेशन होता है, उसका लड़के घर घर वितरण करते हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद से जनता कर्फ्यू सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, उसके बाद से एक वर्ग ऐसा है जो लोगों के जागने के पूर्व उनके घर पहुँचता था। और नगर एवं देश विदेश के जो ताज़ा हालात कोरोना संक्रमण को लेकर या उस बीमारी से संक्रमित लोगों को लेकर जो ताज़ा रुझान रहते थे नगर के एवं क्षेत्र के, वो लोगों के घर घर पहुँचने का काम अखबार के जरिए होता था। मैं राजेश जैन, पत्रिका रिपोर्टर, तनावत के बस स्टैंड से एवं कवरेज के लिए इंटीरियर में भी जो कोरोना के मरीज मिले उसके बाद भी वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग की गई एवं आसपास क्षेत्र में जो जो भी गतिविधियाँ हुई कोरोना को लेकर, लोगों ने लॉकडाउन रखा, लोगों ने सील किया एरिया, इसको भी लेकर हमने कवरेज किया और वहाँ पर हर गांव में जाकर हर जानकारी को इकट्ठी कर पेपर के माध्यम से लोगों को बताया गया। आंगनवाड़ी केंद्र भगवान सिपानी में कार्यकर्ता श्रीमती भोलभोल दुबे भगवान सिपानी जी होकर, ये जो महामारी बीमारी आई हुई है, जब से जैसे बाहर निकलने का डर भी लगता है
पर तो भी हम सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को सत्तू वगैरह वगैरह की मिल जाए, उनको साफ सफाई के बारे में सारी जानकारियां दे रहे हैं। हमारा विभाग महिला बाल विकास की तरफ से CDPO मैडम गुप्ता मैडम के एवं गुप्ता मैडम के आदेश अनुसार एवं सुपरवाइजर ममता राठौर मैडम के निर्देशन के अनुसार हमने कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मदद एवं सहायता भी की है। सत्तू वितरण घरों घर जाकर साइका और मेरे द्वारा सत्तू वितरण किया गया, दलिया वितरण की गई एवं टीकाकरण की पूरी जानकारी दी, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा, गर्भवती महिलाओं को उनको जैसे सावधानी किस तरह रखी जानी है उस तरह से उन्होंने पूरी उनको जानकारी दी है। छोटे बच्चों को मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और इसके उपरांत अभी हमने जो पोषण आहार जो उनको घर घर वितरण किया गया। तीरथ भाई प्रजापति जी टेलरिंग का काम है इनका सनावाद में, और मेरे ख्याल से सनावाद में सबसे ज़्यादा मास्क इन्होंने ही आपूर्ति किए हैं इस लॉकडाउन में और इस कोरोना महामारी के वक्त में। मास्क आप अभी तक के बना चुके हैं? 3 से 4 हज़ार मास्क बना चुका हूँ अभी तक। जो मास्क चाइना से आया था उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी और कम समय के यूज़ के लिए था वो, इसलिए कार्टन का 100% कार्टन का बनाकर ज़्यादा समय तक चलने वाला मास्क हमने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के नारे